वी डिस्कस अबाउट, आज अपन मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ेंगे जो कम्युनिटी का टॉपिक है। मेंटल इलनेस क्या होती है? मेंटल इलनेस होती है जो नेगेटिव स्टेट होता है माइंड का, उसके अंदर अल्ट्रेशन, उसके फंक्शन में चेंजेज आ जाते हैं, जिसको अपन मेंटल इलनेस बोलते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे कॉन्शियसनेस हो गया, थिंकिंग होगी, परसेप्शन हो गया, अटेंशन हो गया, कंसंट्रेशन, मेमोरी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जजमेंट और इंसाइट। मतलब जो माइंड का जो फंक्शन होता है इनसाइड का, उससे फंक्शन में रिलेटेड आ जाता है या इम्पेयरमेंट, कुछ चेंजेज आ जाते हैं, उसको अपन मेंटल इलनेस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अपने मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ मींस होता है वर्किंग ऑफ द माइंड एंड रिलेटेड विच रिजल्टिंग इन वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी। जो हारमोनियस, जो अपन वर्क करते हैं उसका और अपने माइंड के प्रति उसका सामंजस्य जो होता है, उसको अपन मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मेंटल हेल्थ जो इसका थ्री कंपोनेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल, सोशल और जो इनकॉर्पोरेट, जो WHO द्वारा मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है। मतलब अपना फिजिकली, अपना सोशली, मतलब आपका लोगों से बर्ताव कैसा है, सोशली आप आ रहे जा रहे हो या आप उसमें कोई इम्पेयरमेंट आ जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट एक्सक्लूसिव रिलेशन बिटवीन पर्सन, इट इज़ आल्सो अ मैटर ऑफ रिलेशन ऑफ एंड इंडिविजुअल। मतलब जो मेंटल हेल्थ होती है, उससे जो एक्सक्लूसिव रिलेशन है वो कट जाता है पर्सन का, उसकी वजह से पेशेंट के इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें टूवर्ड द कम्युनिटी ही लाइव्स इन, टूवर्ड द सोसाइटी विद कम्युनिटी अ पार्ट। जो पर्सन होता है वो अपनी कम्युनिटी से अलग हो जाता है और सोसाइटी से अलग हो जाता है, जिससे उसमें थिंकिंग चेंजेस हो जाते हैं पेशेंट में। टूवर्ड द सोशल इंस्टीट्यूट लार्ज पार्ट गाइड एंड द लाइफ डिटरमाइन हिज वे ऑफ लिविंग वर्किंग रिलेशंस एंड वाई इज द अर्न एंड स्पेंड हिज मनी। जो अपना एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो लार्ज लोग हैं, उनके वर्किंग, उनके रिलाइजेशन कैसे हैं आपके, उनके साथ रिलेशन कैसे हैं और अर्न एंड स्पेंड ऑफ द मनी। जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडी हुई थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रीवलेंस ऑफ रेट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर वेरी फ्रॉम द 90.5 to 370 per 1000 population के अंदर 370 पीपल वेरीज करते हैं साइकेट्रिक प्रीवलेंस के अकॉर्डिंग। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, कितने टाइप की मेंटल इलनेस। एज अ क्लासीफाई इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-10 के अकॉर्डिंग इसके टाइप, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें डिमेंशिया है, डिलेरियम है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़ की वजह से, जो सिजोफेनिया, सिजोटाइप एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर है, मून अफेक्टेड डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक स्ट्रेस है रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जैसे एनजाइटी, OCD हो गया अपने, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बिहेवियरल सिंड्रोम की वजह से, डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल पैरानॉइड डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन की वजह से, डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट वन इज अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे यूनिपोलर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। सम वेल नो द मोस्ट प्रीवलेंट मेंटल डिसऑर्डर आर अकॉर्डिंग, मतलब अपन यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है। यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मीन्स अ मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाई द परसिस्टेंट लो मूड दैट इज अकम्प्लिश ऑफ लो सेल्फ स्टीम एंड बाई अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मली इंजॉयबल एक्टिविटी। जो भी नॉर्मल एक्टिविटी अपने इंजॉय करते हैं, उसमें जो उसका जो पर्सन होता है उसका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है या नॉर्मली वो करेक्टराइज होता है, उसकी वजह से यूनिपोलर डिसऑर्डर। मतलब इसका जो मीन्स होता है, जो जैसे इसकी डिप्रेसिव है, वो एक बार डिप्रेशन से गुजरा या दोबारा गुजरा, फिर वो तीसरी बार वो डिप्रेशन से ठीक हो गया, तो उसमें अपन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन दे के पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं और पेशेंट के अंदर इसमें सिम्टम आते हैं। जैसे ए रिपोर्ट इज द ग्लोबली बर्डन ऑफ द डिजीज एस्टिमेट द पॉइंट ऑफ प्रीवलेंस ऑफ यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज द 1.9 फॉर मैन एंड 3.2 इज द वुमेन एंड द 1 year प्रीवलेंस हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाई 5.6% ऑफ मैन। ये वुमेन में ज़्यादा यूनिपोलर देखा जाता है। नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं बाईपोलर अफेक्टेड डिसऑर्डर। बाईपोलर अफेक्टेड डिसऑर्डर
में क्या होता है, मतलब कभी तो इस जो पेशेंट है उसका मन खुश रहेगा, कभी वो दुखी रहता है। उसमें सेवरल मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे मेनिया, डिप्रेशन हो सकता है। मेनिया के अंदर कभी खुश रहेगा पेशेंट, और जो ये यूजुअली देखा जाता है 20 to 30 ईयर्स के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। इट इज़ करेक्टर बाय पीरियड ऑफ एलिवेटेड मूड एंड पीरियड ऑफ डिप्रेशन। मतलब जो पेशेंट का मूड होगा वो कभी तो बढ़ा हुआ रहेगा, और पेशेंट डिप्रेशन की भी अवस्था में जाता है। नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, सिज़ोफ्रेनिया में पेशेंट होता है जो रियलिटी से कट आउट हो जाता है, जिसमें पेशेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट आते हैं। जैसे पॉजिटिव के अंदर अपन देख सकते हैं हेलुसिनेशन हो सकता है, डिल्यूजन हो सकता है। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, जिसमें पेशेंट के आसपास नहीं है फिर भी उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा उसको। और डिल्यूजन के अंदर अपन देखते हैं जिसमें पेशेंट में फॉल्स बिलीव्स होता है, जैसे वो अपने आप को सुपर पावर समझता है कि मैं ही गॉड हूँ, और मतलब अपने आप को गॉड मानता है पेशेंट। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आते हैं पेशेंट के अंदर, मतलब वो जो बात कर रहा है बात करता करता खुद दूसरी बात पे आ जाता है। इसको अपन सिज़ोफ्रेनिया इज ऑफन करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर एंड फेलियर टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ रियल। मतलब जो पेशेंट होता है वो अपने सोशल बिहेवियर है जो उसका एबनॉर्मल हो जाता है, और जो रिकॉग्नाइज करता है वो रियल नहीं होता कुछ भी। नेक्स्ट वन देखते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी मीन्स होता है जो अपने न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से करेक्टर एपिलेप्सी सीजर्स आते हैं। जो एपिलेप्सी के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनकी एक्सेसिव एबनॉर्मल, मतलब उसका बारी बारी थॉट्स आना, और पेशेंट के अंदर एक्सेसिव एबनॉर्मल ब्रेल की सेल की एक्टिविटी है जो इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर जैसे प्रीवलेंस अबाउट द 1% ऑफ योर द पॉपुलेशन, द प्रीवलेंस इज हायर इन रूरल के अंदर, ये 1.9% है, कंपेयर द अर्बन के अंदर 0.6% है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर अपन, अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट होता है उसमें एजिंग प्रॉब्लम है। एक ये जो न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन होता है डिजीज़ का, उसके अंदर पेशेंट भूल जाता है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे पेशेंट अपना काम कर रहा है, जैसे अपने उसने चाबी कहीं भूल गया, या उसको याद नहीं है कुछ, या उसने मतलब यूजुअल जो काम वो डेली रूटीन में करता है वो भूल जाता है। जैसे कार कहाँ पार्क करनी है, बिहेवियर चेंजेस हो जाता है, उसको कुछ रिकॉल नहीं रहता। मतलब जब भी वो याद करना चाहता है उसको उस टाइम याद नहीं आता। इसको पता है अल्जाइमर डिजीज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, बट मोस्ट कॉमनली अर्ली सिम्टम इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जो अर्ली मतलब जिसको याद नहीं आता और उसकी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म के लिए लॉस हो जाती है, उसको अपन अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ ये एक मोटर चेंजेज है, मोटर न्यूरॉन चेंजेज है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें कई भ्रांतियाँ भी पाई जाती है जो मतलब पेशेंट की जो फिजिक्स है वो चेंजेस हो जाती है। जैसे ओल्ड एज में धीरे धीरे, और जैसे बुढ़ापे के अंदर ये बीमारी है, धीरे धीरे पेशेंट जो स्लो काम करता है, जैसे रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी ट्रेमर ऑफ द हेड, मतलब जो पेशेंट है जब सुबह उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत भारी, मतलब बैक एक, और उसको पेशेंट को जो रिजिड ट्रेमर्स है, मतलब जो पेशेंट है वो अपने कदम है जो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे काम, और काम पेशेंट है वो उसको काम करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। सिम्टम ऑफ द डिजीज मूवमेंट इज रिलेटेड लाइक शेकिंग, जो उसका हाथ होता है वो शेक करने लग जाता है, रिजिड हो जाता है, और स्लोनेस हो जाती है मूवमेंट पेशेंट के अंदर। ये अपन पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट अपन देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक अपने ब्रेन या मतलब CNS रिलेटेड डिजीज है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड मोस्टली ये 20 to 50 ईयर के केसेस में, जो अपनी माइलिन शीथ होती है इसमें इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है, जो न्यूरॉन और ब्रेन की जो कवरिंग होती है माइलिन शीथ उसकी, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं उसकी कवरिंग के अंदर। और जैसे अपन देखते हैं इज इन्फ्लामेटरी डिजीज़ इन विच द कवरिंग ऑफ द नर्व सेल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द डैमेज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि जो न्यूरॉन की जो सेल्स होती है उस पर उसका डीजनरेशन होने लग जाता है, उसको अपन देखते हैं माइलिन शीथ, उसको अपन बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर हो जाता है तो उसमें पेशेंट में लेग मतलब अपर हैंड और लोअर, मतलब जो लोअर पार्ट है अपना जो लेग्स है वो वीकनेस हो जाते हैं, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट चेंज हो जाती है पेशेंट में। ये मतलब पुरुषों की ज़्यादा, महिला में ये ज़्यादा पाई जाती है पेशेंट। और इंडिया के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड में 23 लाख केसेस देखे गए हैं, जैसे इंडिया के अंदर 2 लाख केसेस हैं। और इसमें जो पेशेंट में जो आगे जाके अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो पेशेंट की ऑप्टिक नर्व में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, डबल विज़न दिखाई देता है, ब्लरिंग विज़न भी पेशेंट को दिखाई देता है और याददाश्त पेशेंट कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जैसे नमनेस है, टिंगलिंग है, हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन है, फैटीग है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, मसल्स स्पाज्म हो सकता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ड्रग यूज़ डिसऑर्डर। अगर इट रेफर्स टू ओवर यूज ऑफ अ डिपेंडेंस ऑन अ ड्रग लीडिंग टू इफेक्ट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जैसे कोई ड्रग्स कोकीन है, कोई और अदर नशा करता है, या कोई लिक्विड फॉर्म में इंजेक्टेबल लेता है, या पेशेंट सिगरेट या स्मोकिंग या कैसे अदर तरीके से लेते हैं, उसको भी ड्रग यूज़ एंड डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में इट मे बी डेवलप आफ्टर अ पर्सन इज एक्सपोज टू वन और मोर ट्रॉमेटिक इवेंट। मतलब पेशेंट के अंदर वन या मोर ट्रॉमेटिक इवेंट हुए हैं, सच एज अ सेक्सुअल असॉल्ट, या पहले बच मतलब कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हुआ, या वारफिन, या सीरियस कोई इंजरी हुई हुई हो, उसको अपन पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये होता है जो पेशेंट को रिपीटेड थॉट आते हैं एंड रिपीटेड बिहेवियर करता है पेशेंट। उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, जो सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी या उसके अंदर पेशेंट की कमी आ जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को बार बार विचार आते हैं। मतलब इसका मीन्स है एन एंजाइटी डिसऑर्डर करेक्टराइज द सर्टेन थॉट ऑफ द प्रोड्यूस सच रिपीटेड बिहेवियर एम टू रिड्यूस द एसोशिएट एंजाइटी कंपल्सरी ऑफ द बोथ। मतलब पेशेंट अगर हाथ धोता है तो हाथ बारी बार धोता है कि मेरे हाथ में कीटाणु है या बैक्टीरिया है, तो ऐसे थॉट आते हैं पेशेंट के अंदर। उसमें अगर पेशेंट में नेगेटिव थॉट आते हैं तो बारी बारी पेशेंट, अगर ब्रेन तक वो एक्टिविटी जाती है तो पेशेंट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। फिर पेशेंट को जनरलाइज्ड अपन फटीग में सिजोफेनिया या डिप्रेशन हो सकता है, इसमें एक्सट्रीम लेवल तक, या फैमिली में कभी किसी को हुआ हो, या पेशेंट को मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव इसमें सिम्टम देखते हैं तो अगर फैमिली में कभी डेथ हुई हुई है, या जॉबलेस है, या एग्ज़ाम में कभी फेल हुआ है, या रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, तो इसको इससे पेशेंट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनसोमनिया। इनसोमनिया इनसोमनिया मीन्स होता है इनसोमनिया और स्लीपलेस इज अ स्लीप डिसऑर्डर इन विच देर इज अ इनएबिलिटी टू फॉल अ स्लीप और टू स्टे अ स्लीप और लॉन्ग और डिजायर। जो पेशेंट है उसको स्लीप नहीं आ रही हो, जैसे अपन अपनी पूरी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट है जो सोने में बिता देते हैं, जैसे 6 to 9 आवर्स होना चाहिए नॉर्मली पेशेंट, मतलब कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो अपन उसमें ज़्यादा तैयारी करते हैं तो सो नहीं पाते, और अगर 6 to 9 आवर्स होता है पेशेंट तो वो फ्रेश फील करते हैं अपने आप में। 3 डेज से अपन अगर 3 दिन से लगातार नहीं सोते तो अपने को डीप स्लीप या लाइट स्लीप अपने को सोना चाहिए। 10 to 11 अगर अपने कोई शादी या जागरण होता है तो अपन 2-3 बजे तक जागरण चला है तो 3 से 8 बजे तक सोते हैं, तो वो फ्रेश फील नहीं हो पाता, उसको अपन इंसोमनिया कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइग्रेन। माइग्रेन क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज करेक्टराइज कैसे होता है, रिकरेंट मॉडरेट और सीवियर हेडेक होता है। माइग्रेन का मीन्स होता है इसमें जो माइग्रेन हेडेक होता है वो या तो डीप होगा या तेज़ होता है। जो इसमें जो ब्रेन की जो चेंजेस होते हैं, जैसे लाइट या राइट या लेफ्ट साइड में तेज हेडेक हो सकता है, या कोई डिओडेंट से या नॉइज से, या कोई वॉमिट मतलब ओरा हो सकता है। ओरा मीन्स होता है जो क्रोनिक पैथोलॉजी कंडीशन होती है, जैसे वॉमिटिंग होगी। इसमें पेशेंट में लक्षण क्या आएंगे, हेडेक हो सकता है, मॉडरेट या सीवियर पेन हो सकता है, राइट या लेफ्ट में नोजिया वॉमिटिंग, आई में पेन हो सकता है, आई में जो रेटिना उसमें पीछे हो सकता है, जो राइट नॉइज़ हो सकता है। पेशेंट को अगर सीवियर कंडीशन देखा जाए तो पेशेंट के आई की आंखों की रोशनी जा सकती है, आई डैमेज हो सकती है। ये माइग्रेन के कुछ सिम्टम है। टाइप ऑफ द मेंटल इलनेस, मेजर इलनेस साइकोसिस,
इसमें आउट ऑफ रीच ऑफ द रियलिटी, माइनर इलनेस, मेजर इलनेस सिजोफेनिया, स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, द पर्सन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें, पर्सन लिव्स इन द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ द ओन, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस हो सकता है जिसमें सिम्टम वेरी ऑफ द हाइएस्ट ऑफ द एक्सट्रीम डिपेंड ऑफ द डिप्रेशन, पैरानॉइड हो सकता है इसमें जो टेंडेंसी होती है जो होल वर्ल्ड इज द फ्रेम इज द डिल्यूजन। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइनर इलनेस, माइनर इलनेस के अंदर टू ग्रुप है जिससे फर्स्ट वॉल इज द न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोसिस, इसके अंदर अपन देखते हैं इन दिस द पर्सन इज अनेबल टू रीच नॉर्मली टू लाइफ सिचुएशन, दो पर्सन है वो अपनी नॉर्मली जो लाइफ सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करे, पर्सन इज द एवरी 1 to 15 पीपल सफर फ्रॉम द मेजर डिप्रेशन इन द WHO यूरोपियन रीजन। नेक्स्ट अपन देखते हैं पर्सनैलिटी एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसऑर्डर, दिस ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर आर द लिथार्जी ऑफ द अनफॉरगेटेबल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ परसेप्शन, जो पर्सनैलिटी एंड करेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर होता है जो ग्रुप होता है इसमें जो अनफॉरगेटेबल और चाइल्ड एक्सपीरियंस ऑफ द परसेप्शन। कॉजेज कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस आर द ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज, दे आर द मैन्युफैक्चर अफेक्टेड मेंटल ऑर्गेनिक कंडीशन, मेंटल इलनेस में हैव दे ओरिजिन इन ऑर्गेनिक कंडीशन सच एज सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, नियोप्लाज्म हो सकता है, मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एंडोक्राइन, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी एंड एपिलेप्सी। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेरिडिटी कंडीशन हो सकती है कारण के अंदर, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड ऑफ ए 2 सिजोफेनिक पेशेंट इन 40 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप सिजोफेनिया देन द चाइल्ड ऑफ 2 हेल्थी पर्सन। सोशल पैथोलॉजी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, वरी हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, इमोशन स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की, अनहैप्पी फॉर मैरिज अगर ब्रोकन होम्स हो गया, इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी मतलब कोई भी बात को लेके वो चिंतित है, एंजाइटी है, कोई भी इमोशनल स्ट्रेस है पेशेंट को, कोई टेंशन है या कोई फ्रस्ट्रेशन है जैसे जॉब लॉस होगी या कोई लॉस हो गया लविंग पर्सन, इसकी वजह से सोशल पैथोलॉजी का। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर डेट कॉज द इल, टॉक्सिक सब्सटेंस कार्बन डाइसल्फेट HB मैग्नीशियम PB, और नेक्स्ट वन अपन देखते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग के अंदर बार्ब्यूरेट, एल्कोहल, गिवुल्स ऑफ नेस्ट, न्यूट्रिशनल फैक्टर के अंदर डेफिशेंसी ऑफ थायमिन, पायराजोइन एंड आयोडीन, इन्फेक्टियस एजेंट के अंदर मीजल्स या रूबेला हो सकता है, ट्रोमेटिक फैक्टर है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, द सोशल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ एक्ट, द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एल्डर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल द 3 July 2010। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन, एक मेंटली हेल्थी पर्सन क्या क्या करेक्टरिस्टिक, अ मेंटली हेल्थी पर्सन द 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ही विल कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ, वो पेशेंट है जो कंफर्टेबल होना चाहिए, ही नाइदर अंडरस्टीम नॉट ओवर स्टीम हिज ओन एबिलिटी, मतलब उसको अपनी इच्छा मतलब क्षमताएं पता होनी चाहिए और ओवर एक्सटीम नहीं होना चाहिए पेशेंट, ही एक्सेप्ट हिज शॉर्ट कमिंग, द मेंटल हेल्थी पर्सन फील राइट टूवर्ड अदर डेट इज सी इज एबल टू इंटरेस्टेड टू अदर टू लव दैम, लोग उसे प्यार कर सी इज फ्रेंडशिप एंड सेटिस्फाइड एंड द लास्टिंग द एबल टू लाइक एंड ट्रस्ट अदर, उस पर लोग विश्वास हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं द मेंटली हेल्थी पर्सन इज एबल टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ डेट इज क्या क्या हो सकता है, ही सेट रीजनेबल गोल फॉर हिमसेल्फ, मतलब खुद के लिए वो गोल डिसाइड करे, ही इज नॉट बिलोंग अदर इमोशनल फियर एंगर लव एंड गिल्ट। सम वार्निंग साइन ऑफ द पुअर हेल्थ, देर आर द सम क्वेश्चन बाई विच डिफाइंड पर्सन इज मेंटली हेल्थी और इल, आर यू ऑलवेज वरिंग हमेशा चिंतित रहता है, आर यू एबल टू कंसंट्रेट बिटवीन अनरिकॉग्नाइज्ड रीजन, आर यू कंटिन्यूसली अनहैप्पी, डू यू लव यू टेम्पर इजी एंड ऑफन, आर यू ट्रबल बाई रेगुलर इंसोम्निया, डू यू कंटिन्यूस डिसलाइक टू बी विद पीपल, अगर लोग उसको डिसलाइक करते हैं, आर यू अपसेट इफ द रूटीन इफ यू लाइफ इज डिस्टर्ब, अगर वो अपसेट आएगा तो अपनी लाइफ को रूटीन अगर होगा तो वो डिस्टर्ब कर लेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर यू अफेड विदाउट रियल कॉज, मतलब क्या कारण है, आर यू ऑलवेज राइट एंड अदर पर्सन इज ऑलवेज रॉन्ग, मतलब हर टाइम अपने आप को सही दूसरे गलत मानता है, इफ यू आंसर टू एनी ऑफ द अबव क्वेश्चन यस देन हेल्प इज नेसेसरी।
नेक्स्ट प्रिवेंशन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन देखेंगे। थ्री लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इज द इट ऑपरेटेड ऑफ द कम्युनिटी बेसिस। दिस कंसिस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द सोशल एनवायरनमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ द पीपल। प्राइमरी प्रिवेंशन का बेसिस है जो अपने इम्प्रूविंग जो सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट करते हैं उसको प्रमोट करेंगे, सोशल इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग को ऑफ द ऑल पीपल। सेकेंडली प्रिवेंशन इट कंसिस्ट ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, जो भी मेंटल इलनेस हुई है उसका अर्ली डायग्नोसिस एंड सोशल इमोशनल डिस्टर्बेंस थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्कूल, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एंड प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इन इफेक्टिव कम्युनिटी सोर्सेज। कम्युनिटी सोर्सेज के अंदर नेक्स्ट अपन देखते हैं इट्स सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड फैमिली बेसिस हेल्प सर्विसेज मस्ट रोल टू प्ले। फैमिली काउंसलिंग इज वन मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट इंटरवेंशन फॉर हेल्पिंग द मेंटल इलनेस के लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर इट सीक द रिड्यूस द ड्यूरेबल ऑफ मेंटल इलनेस एंड थस रिड्यूस द स्ट्रेस दे क्रिएट फॉर फैमिली एंड द कम्युनिटी। इन शॉर्ट गोल टू लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर द ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रप्शन। मेंटल हेल्थ सर्विसेज। मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन अ कम्युनिटी कंप्रेशन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन अपने पास फैसिलिटी होनी चाहिए। ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। यूज टू मॉडरेट साइकोएक्टिव ड्रग और आफ्टर केयर सर्विसेज। 10 कॉमनेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। थिंक पॉजिटिव इट इजीली चीयर्स एंड वन ऑफ द लव। कंटिन्यूस लर्निंग एज लॉन्ग एज यू लाइव, तो आप जिंदा हो तो लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से अपने सीखें। एक्सेसिव डेली एनहांस फॉर वेलबींग। डू नॉट कम्प्लीट लाइफ अननेसेसरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनक्रेज दोज अराउंड, जो आपके पास रहते हैं उनको आप उनको बढ़ावा दें और उनको मोटिवेट करते रहें। डू यू गिव सक्सेसफुली इन लाइफ इज मार्थन। डिस्कवर एंड of the talent, set goal yourself and pursue to your dream. ये 10 कॉमनेस मेंटल हेल्थ के अपन ने गोल देखे, ठीक है। अपन ने डिस्कस किया मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ मीन्स होता है जो नेगेटिव स्टेट ऑफ द माइंड होता है उसमें अल्ट्रेशन इन द फंक्शन ऑफ द माइंड। माइंड में कुछ फंक्शन अल्टर हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है। इसको अपन ने मेंटल इलनेस में डिस्कस किया। Thanking student.